राधे राधे, अगर मैं आपको कहूं कि ऐसी प्रोफेशनल डार्क ग्लो सीसी कैपकट में एडिट करूंगा तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो अपने भाई की वीडियो एंड तक वॉच करो। मगर क्यों? क्योंकि आज आपका भाई ये आफ्टर इफेक्ट वाली सीसी कलर ग्रेडिंग कैपकट में करने वाला हूं। क्या बात है सर? सोमिर भाई, आपको सबसे पहले अपना क्लिप इंपोर्ट कर देना है कैपकट ऐप में, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और स्लाइड स्क्रॉल करना है आपको, और मेरे भाई आपको एडजस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। गाइस, अपने भाई की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच करो यार। तो कंट्रास्ट को मेरे भाई आपको 5 का अकॉर्डिंग इंक्रीज कर देना है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी वीडियो में थोड़ी डार्कनेस आएगी। तो इसको 10 के अकॉर्डिंग हम कर देते हैं, 5 भी थोड़ा कम लग रहा है तो इसको हम 10 के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर देते हैं। अपने वीडियो के अकॉर्डिंग करना मेरे भाई, जैसे आपकी वीडियो होगी तो इसके एक्सपोजर पर आएंगे, एक्सपोजर को हमको -5 कर देना है क्योंकि हमें डार्कनेस चाहिए वीडियो में, तो एक्सपोजर को हम कम ही रखेंगे, -10 कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। अब मेरे भाई आपको शार्पन पर क्लिक कर देना है, शार्पन को आपको कुछ इस प्रकार से 30 के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ कर देना है, 20 के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर देना है कुछ इस प्रकार से। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्राफ्ट्स पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही मेरे भाई आप क्लिक करोगे, आपको कुछ इस प्रकार से बीट्स दे देनी है कुछ इस प्रकार से, और इसको कुछ ऊपर की ओर लेकर जाएंगे हम थोड़ा इस प्रकार से, ताकि हमारे बॉडी में थोड़ा ग्लो आए, वाइट ग्लो आए, इसलिए हम इसको हाईलाइट को थोड़ा सा ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और मिड टोन्स को थोड़ा हम नीचे की ओर कुछ इस प्रकार से लेकर आएंगे, और शेडो को भी हम थोड़ा नीचे की ओर इस प्रकार से कुछ लेकर आएंगे, और ये वो जो वाइट है हमारा, इसको भी थोड़ा ऊपर की ओर कुछ इस प्रकार से कर देंगे ताकि हमारी वीडियो थोड़ी कूल लगे। तो इसको यहाँ से हम डन कर देते हैं। अब मेरे भी आपको क्या करना है, इसके टेम्परेचर को आपको 5 का अकॉर्डिंग इंक्रीज कर देना है कुछ इस प्रकार से, और मेरे भी आपको हाईलाइट को इसके आपको 10 के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर देना है कुछ इस प्रकार से, और बिगनेट को आपको कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर देना है 10 के अकॉर्डिंग, और यहाँ से मेरे भी आपको डन कर देना है। अभी आप देख सकते हो इतना करने से ही हमारी वीडियो में कितनी कूलनेस आ चुकी है, कितनी डार्कनेस आ चुकी है, कितनी प्रोफेशनल लग रही है। अब मेरे भी आपको क्या करना है, इफेक्ट्स वाला ऑप्शन दिखेगा आपको, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है, वीडियो इफेक्ट्स पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही मेरे भी आप क्लिक करोगे, आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है शार्पन इज, आपको सर्च कर देना है और कुछ इस प्रकार से इसको आपको इसमें ऐड कर देना है शार्पन इज। इसको ऐड करने के बाद मेरे भी आपको कुछ ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देना है, ऑब्जेक्ट पर जैसे ही मेरे भी आप क्लिक करोगे, इसको ऑल वीडियोस पर सिलेक्ट कर देना है और एडजस्ट पर जाना है इसके, और ब्लर को बिल्कुल मेरे भाई 0 पर जो है कुछ इस प्रकार से, और इसके शार्पन को आपको 40 के अकॉर्डिंग कम कर रखना है, और रेंज को हम फिल्टर को थोड़ा आपको 50 के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो कुछ इस प्रकार से, रेंज को भी थोड़ा हम 90 के अकॉर्डिंग इंक्रीज कम कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, आपका ये इफेक्ट बन जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे भाई कुछ इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा हमें ग्लो भी ऐड करना है, इसके लिए मेरे भाई आपको सिंपली वीडियो इफेक्ट्स पर क्लिक कर देना है, वीडियो इफेक्ट्स पर जैसे आप क्लिक करोगे, आपको मेरे भाई यहाँ से सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यहाँ से आपको सर्च करना है इट्स ग्लो। मेरे भाई आपको जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने इट्स ग्लो आ जाएगा, और आपको सिंपली इसको ऐड कर देना है कुछ इस प्रकार से। अभी मेरे भाई आप देख सकते हो कितनी प्रोफेशनल हमारी ग्लोइंग सीसी कलर ग्रेडिंग हो चुकी है। तो इसको ऑब्जेक्ट पर मेरे भाई आपको क्लिक कर देना है, ये मेरे भाई आपको कोई नहीं बताएगा, ये बहुत ही ग्रेट एडिटिंग है। तो ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद ऑल वीडियोज़ पर इसको सिलेक्ट कर देना है, और कुछ इस प्रकार से ये लगेगी। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, जो आपने देखा होगा जैसे इसमें ब्लैक फ्लैश आती है जो हल्की हल्की, वो कैसे लगाएं, इसके लिए वीडियो इफेक्ट्स पर फिर से मेरे भाई आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे, आपको मेरे भाई ब्लैक फ्लैश टू ले लेनी है कुछ इस प्रकार से, यहाँ से ऐड कर देनी है। इसको ऐड करने के बाद इसकी एडजस्ट पर आना है, और इसके स्पीड को आपको कुछ इस प्रकार से कम कर देना है 30 के अकॉर्डिंग, साइज को भी आपको थोड़ा कम कर देना है 10 के अकॉर्डिंग, ट्विस्ट को भी आपको 15 या इस प्रकार से कुछ कम कर देना है, इंटेंसिटी को आपको 10 कर देना है, और इस प्रकार से इसको डन कर देना है। अभी मेरे भाई आप देख सकते हो ब्लैक फ्लैश भी हमारे उसमें आ रही है। तो मेरे भाई इस प्रकार से आप अपनी ग्रेट कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। सो मेरे भाई, अगर अपने भाई की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को मेरे भाई लाइक कर देना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।